पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव 2 साल के बाद होने जा रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज में सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा वोट है। वुमेन्स कॉलेज के प्रबंधन ने सभी लोगों को वोट देने के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि सुरक्षा के मुद्दे पर वोट देंगे, तो कई लड़कियों ने लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर वोट देने की बात कही। कॉलेज के बाहर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं और लड़कियों को लगातार छोटे छोटे पर्चे दिए जा रहे हैं। विद्यालय का छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है और पटना वुमेन्स कॉलेज में सबसे ज्यादा वोट है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ 3350 वोट है और सब सारे संगठन जो है छात्र संगठन जिन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनकी नज़र यहीं है और यह पटना वुमेन्स कॉलेज का नज़ारा है। यहाँ देख सकते हैं सभी संगठन के लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी के साथ साथ जन अधिकार पार्टी का पोस्टर लगा दिया गया है कि उनके कौन कौन कैंडिडेट हैं और किस तरीके से है और उनको किस तरीके से वोट करना है। अब हाथ में छोटा छोटा पर्ची लेकर के देखिए किस तरीके का ये पर्ची है। इस पर्ची को देखिए, दीपांकर प्रकाश जन अधिकार पार्टी और सभी लोग अपने अपने पर्ची को लेकर के खड़ा हैं और जो भी लड़कियां यहाँ से निकलती हैं उन सभी को वो दे रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आखिर वोट किस आधार पर दें, आपको वोट क्यों करें। देखिए, हम लोग को वोट करेगा इसलिए क्योंकि पहला बात ये है कि हम लोग छात्र राजद से हैं और हम लोग का यही मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना है। हमारी ये मांग मांगी प्रमुख मांगी है। और दूसरी बात का ये हम लोग का मुद्दा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा दिलाने के लिए हम काम करेंगे। इसलिए कि पहले जितने भी छात्र राजद आए हैं यहाँ पे उन्होंने कोई इस मुद्दा को नहीं लेकर बात किया है।